Subscribe now and press the bell icon. Never. Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर कामयाब जो प्रोग्राम का, जिसमें वो कर्ज़ा फ्राहम कर रहे हैं छोटे तबके और बड़े तबके को, जो कि अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। और उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ, ऑफिशियली वो ऐलान हो चुका हुआ है और उसका तरीकाकार मैं आपको बताता चाहूँ कि हम लोगों को किस तरह वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और किस तरह हम लोग वो लोन जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पर सर्च करना है प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान SME लैंडिंग प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान SME लैंडिंग प्रोग्राम, ये मैंने ऊपर सर्च किया है। ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो एक ये लिंक आया है, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान SME लैंडिंग प्रोग्राम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एक इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट के एंड पर यहाँ पर ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है जी। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको पहले सबसे पहले बता दूं कि इसकी कुछ शराइत हैं जो आप लोग को मैं बताता चलूं। सबसे पहले नंबर वन में मैं आपको बता देता हूं कि ये कर्ज़ा किन लोगों को मिलेगा। ये कर्ज़ा मिलेगा जी 21 साल से 45 साल की उम्र के प्रोग्राम और ई कॉमर्स प्रोग्राम, यानी मैं जो उसमें हैं उनकी उम्र 18 साल भी हो तो वो चलेगा, लेकिन 6 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो लाजम है। 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो लाजम है। उसके बाद सेकंड पे लोन साइज़ में ये टायर वन में देखने 1 लाख से 5 लाख और टायर टू में 5 लाख से 50 लाख तक का जो लोन है वो हुकूमत हमें देगी। जो ये 16 रुकनी ये जो है ना 16 पॉइंट्स पर है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो खास हैं। उसके बाद नंबर 4 पर 8 साल की किस्त होगी इसकी, इस लोन की, जो हम लोगों ने 8 साल में हुकूमत को जो किस्त बनाएगी, वो किस्त अभी अलाउंस नहीं की वो कितनी बनाएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में हो जाएगा। 8 साल में हम लोगों ने वो जो है मार्कअप जो किस्त होगी वो हम लोगों ने देनी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पहला साल जो होगा उसमें हम लोग लोन नहीं देंगे, वो हम लोगों को माफ़ है। 1 साल के बाद ये किस्तें स्टार्ट होंगी जो हम लोग 8 साल तक देते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 पर 25% जो क़लाम लेते हैं हजम है वो औरतों के लिए रखा गया है, यानी कि 25% ऑफ द लोन विल गो टू वुमेन। ये बहुत अच्छा एग्जाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। उसके बाद नंबर 7 पर सिक्योरिटी रीज़न, ये मेन चीज़ है सिक्योरिटी रीज़न के हम लोग किस तरह, यानी कि सिक्योरिटी 1 लाख से 5 लाख के दरमियान जो कर्ज़ा होगा उस पर पर्सनल गारंटी, यानी कि पर्सनल गारंटी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5 लाख से 50 लाख के दरमियान जो कर्ज़ा है उस पर वो बैंक रूल जो होगा वो फॉलो किया जाएगा। बैंक जो भी उनकी पॉलिसी होगी वो उस पॉलिसी के हिसाब से जो है ना वो बैंक बता देगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ उस फॉर्म की जानिब, ठीक है। वो जो फॉर्म मैंने डाउनलोड किया, ये इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ कि हम लोगों ने इसको जो है सबमिट करवाने से पहले कुछ, ये देखिए, ये बैंक नेम, ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो यहाँ पर बैंक नेम मेंशन नहीं होगा, जबकि ये 3 बैंकों से लोन जो मिलेगा वो 3 बैंकों की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब बैंक, हैबर बैंक। नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और हैबर बैंक, वो 3 बैंकों के फॉर्म जो होंगे वो वहाँ पर ही हम लोग सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, और एक मेन चीज़, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 10, 13 और 14 यहाँ पर टिक करना है, इन पॉइंट्स पर हम लोगों ने टिक करना है। सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाते हैं। नंबर 1 पर है जी दरख्वास्त गुजार का नाम, यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। नंबर 2 पर जेंडर, दीगर औरत मर्द, यहाँ पर टिक करना है हम लोगों ने। नंबर 3 पर आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है, और नंबर 4 पर जो है वो हम लोगों ने तरीके पैदाइश मेंशन करनी है। नंबर 5 पर अपने वालिद या शोहर का नाम मेंशन करना है, और नंबर 6 पर उनका आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पर रिहाइश, यहाँ पर हम लोगों ने टिक करना है, खानदानी, किराएदार
यानी कि ज़ाती मलकियत जो भी है वो हम लोगों ने टिक करना है। ये चीज़ें आप लोगों ने ख़ास नोट करनी है क्योंकि इस पर जो कटिंग है वो काबिल कबूल नहीं होगी। कटिंग वाला फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट नहीं कबूल करेगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नंबर आठ पर मौजूदा पता, ठीक है जो भी हो। नंबर नौ पर मुस्तबिल पता, यानी कि जो शनाख्ती कार्ड पर दिए गए पते पर से मुख्तलिफ हो। एग्जांपल कि आपने आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ हो रहा है और आपकी रहाइश किस वक्त कहीं हो रहा है तो तब आप इसको मेंशन करेंगे, वरना नहीं। उसके बाद नंबर दस पर शादीशुदा, गैर शादीशुदा या जो भी होगा उसे आपने टिक करना है। नंबर अलेवन पर घर ज़ेर कफालत कितने अफराद हैं वो मैंशन होंगे। नंबर ट्वेल्व पर तजर्बा, हुनर या तलीम अगर कोई है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर तेरह पर यहाँ पर ये देखें मौजूदा ज़ेर माश बेरोज़गार, खुद रोज़गार या बार रोज़गार, इनका मतलब तो आपको मालूम होगा ना। बेरोज़गार कि आप कोई कारोबार नहीं कर रहे, खुद रोज़गार कि आप का कारोबार है और बार रोज़गार कि आप किसी के पास मुलाजमत कर रहे हैं, ये चीज़ें मेंशन होंगी। नंबर चौदह पर भी ये देखें दरकार कर्ज़े की मुद्दत कितने साल के लिए मेंशन है, 5 साल 8 साल वो आपके पे अनाउंस करते हैं। गवर्नमेंट ने तो 8 साल का कहा है वो आप पर होता है, उसकी किस्तें जो होंगी वो भी ऑफिशियली बताई नहीं गई हैं, तो जिस तरह ही वो होगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाजिम शेयर करूँगा ताकि आप तक वो पहुँच सके। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर भी लगानी है, ठीक है, ये चीज़ मेन है। उसके बाद एक और मैं चीज़ मेंशन कर दूं कि इस फॉर्म की जो कीमत है वो फ्री है, ये फॉर्म जो है वो फ्री है, लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपको इसके साथ 100 रुपये जो इसकी क्लेम लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कोई किसी बैंक से पहले से लोन लिया हुआ है तो वो भी आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कभी पहले बैंक से लोन लिया हुआ है या इतना लोन रह गया है इतना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो है बैंक में आपको दोबारा बताता चलूँ कि बैंक जिन बैंकों में ये फॉर्म सबमिट होगा वो बैंक है नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और हैबर बैंक। और इस फॉर्म को जमा करवाने के 15 दिन के बाद जो है वो आपको इतला दी जाएगी बज़रिए SMS, ठीक है। जब आप अपना फॉर्म जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ पर नंबर भी मेंशन होगा, हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बज़रिए SMS जो है वो आपको इतला दे दी जाएगी कि आप इसके लिए नाम लेते हैं अहल हैं या नहीं हैं, ठीक है। और दोस्तों मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है वो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको मिलें। आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद इस तरह की वीडियोस शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।